वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। और आज हम बात करेंगे फ्यूमिगेशन और जो फोगर मशीन से किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फ्यूमिगेशन होता क्या है। और विद द हेल्प ऑफ फोगर और फोगर मशीन में हम सिल्वर परोक्साइड से फ्यूमिगेशन करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैसियस स्टेरिलाइजेशन विच इज़ यूज फॉर किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट्स द माइक्रोबियल ग्रोथ इन एयर सरफेस ऑफ वॉल और या फ्लोर। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आपने डेफिनेशन से देखा कि फ्यूमिगेशन प्रोसेस में मेन एम है हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करना विद द हेल्प ऑफ फोगर मशीन। और फोगर मशीन से फ्यूमिगेंट्स रिलीज होंगे जिससे बैक्टीरिया माइक्रोजम किल हो जाएंगे हमारी माइक्रोबियल लैब में या फार्मा लैब में, बट वेन एवर यू आर यूजिंग। तो विद द हेल्प ऑफ फोगर मशीन वी कैन किल द माइक्रोगेम्स एंड स्टेडलाइज अवर पर्टिकुलर एरिया। नाउ वी आर मूविंग टू प्रैक्टिकल सेशन। जैसे कि आप सामने देखें सिल्वर परोक्साइड और जो हम फोगर मशीन में यूज़ करेंगे, तो कितना अमाउंट हमको चाहिए फोगर मशीन के लिए, तो हम आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं 5 लीटर का बोतल है और इसकी कॉस्ट 2450 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट ये 420 के पर लीटर के आसपास पड़ जाता है। और अब हमको कितना लेना है, तो विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर हमको 300 ml सिल्वर परोक्साइड ले लेना है और उसको मेकअप कर लेना है डिस्टिल्ड वाटर से 1000 ml तक मेकअप करके, फिर हमको उसको पोर कर देना है अपने फोगर मशीन्स में। तो ये जो आप देख रहे हैं, हमने उसको पोर कर दिया। तो ये आप एसेसरीज देख रहे हैं, फनल, तो ये इंस्ट्रूमेंट के साथ ही आता है। ओके फ्रेंड्स, हमको बहुत केयरिंग के साथ इसको फिल करना है और थोड़ा स्लोली स्लोली फिल करना है, केमिकल वेस्ट नहीं होना है जैसे कि आप देख रहे हैं। और आफ्टर फिलिंग इसको अच्छे से सेफ्टी से अलग करके रख देना है और इसका जो कैप होता है उसको लगा देना है। ओके फ्रेंड्स, अब ये मशीन हमारी चालू है, अभी ये रोटेट कर रही है जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट नहीं करी है, ऑलरेडी ये रोटेट करके पहले से किसी ने स्टार्ट करके छोड़ दिया था जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मूव कर रही है। तो इसमें फंक्शन है इसका, हम RPM भी सेट कर सकते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट, तो इतना टफ नहीं है। आप देख रहे हैं ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी का फोगर मशीन है, ऑन ऑफ का बटन रहता है और इसमें RPM कितना सेट करना है और इसमें टाइमर भी रहता है, तो विद द हेल्प ऑफ टाइमर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, और हम इसको स्टार्ट कर देते हैं फोगर मशीन को। अब देखिए, अब ये स्टार्ट हो गई है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्यूम्स जो काफ़ी क्लियर दिख रहे हैं, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। इसमें टाइमर की फैसिलिटीज़ है, आप डिजिटली टाइम सेट कर सकते हैं। और जैसे मेरे रूम साइज छोटा था तो मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए रखा गया, तो अपना एरिया रूम के जो एरिया उसके अकॉर्डिंग आप टाइमर सेट कर सकते हैं। उसका एक अच्छा फंक्शन ये है कि आप इसमें स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ये रोटेट हो रहा है उसकी हम स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं और जो फ्यूम्स की स्पीड है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट है और डिजिटली सारा ऑपरेट हो जाता है। बट हमको एक जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो ये रखना है, हमको इसको चालू करने के बाद रूम से अलग हो जाना है, तो सिल्वर परोक्साइड है जो बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल है। बट ओवरऑल मेथड से देखा जाए, बाकी मेथड से फ्यूमिगेशन प्रोसेस, ये वाला स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस काफ़ी बेस्ट है। जो हम केमिकल को एक्सपोज करते हैं वो उससे तो मच बेटर है और हमारी हेल्थ के लिए भी इतना हार्मफुल नहीं है। टेक केयर गाइज़।